राजस्थान से है। विधानसभा चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन जयपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में गहमागहमी का माहौल रहा। कुछ रिटर्निंग अधिकारियों के चैम्बर में नामांकन भरने वालों की भीड़ रही, तो वहीं कुछ सीटों पर तीन दिन बाद भी खाता नहीं खुला है। वहीं बुधवार को विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के लिए दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके काफिले में कम से कम 50 से अधिक गाड़ियों में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिया कुमारी के नामांकन पत्र भरने के दौरान बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे। नामांकन रैली निकालने से पहले दिया कुमारी ने अपने चुनावी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रदेश में रामराज्य की स्थापना करने की जरूरत बताई। परिवार के सामने बेटी या बहन हाथ जोड़ के कुछ मांगती है तो मुझे लगता है कि वो मिलता है। तो आज मैं सभी मेरी माताएं बहनों को करवा चौथ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारी हैं, आपका बहुत बहुत आभार।